만족하세요. 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 हमारा आज जो नेशनल मुनक़िद की है इसका एक ही मकसद है कि डिस्ट्रिक्ट कश्मीर तालका कोर्ट में पॉलीटेक्निकल कॉलेज मंजूर की जाए, क्योंकि ये जिला सनती इलाका है, यहाँ बहुत सारे सनती काम कर रहे हैं, मगर टेक्निकल एजुकेशन की लैक की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं। जब पॉलिटिकल कॉलेज मंजूर होगी यहाँ, तो बहुत सारे लोग यहाँ टेक्निकल एजुकेशन अवेल करेंगे, उसकी वजह से यहाँ के लोगों को रोज़गार अच्छा मिलेगा। हमारी यही डिमांड है कि ये जो मोनोटेक्निकल कॉलेज है हमारे साल के कनकोट में, इसको अपग्रेड करके पॉलिटिकल कॉलेज किया जाए। हमारे जो आज की रैली है वो सिर्फ पॉलिटेक्निकल कॉलेज के लिए रैली है। हमारी जो है कंदकोट तालका है और हमारे डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है और 7 लाख हमारे इस तालके की आबादी है और इधर कोई सनती कोई इदारा नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्पेशली इमरान खान साहब और सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आला सिंह से मुतालबा करता हूँ कि हमारे इस तालके को पॉलीटेक्निकल कॉलेज दी जाए। हमारे पास हमारा यहाँ की जो आबादी है 8 लाख आबादी है, हमारे पास है यहाँ नौजवान है तमाम बेरोजगार वो अपने बेरोजगार नहीं कर रही, इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई भी टेक्निकल कॉलेज नहीं है। टेक्निकल कॉलेज पैदा करने के लिए टेक्निकल लोग पैदा होंगे, यहाँ पे इंडस्ट्री जोन पैदा होगा, इंडस्ट्री जोन पैदा होगा तो लोग जो है यहाँ पे इंडस्ट्री बनाएंगे, इंडस्ट्री बनाने के बाद हमारा स्टेट पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीएम से और बिलावल भुट्टो सरकार से मुबारकबाद करते हैं, इमरान खान से मुबारकबाद करते हैं कि बड़ा मेहरबानी हमारी इस अपील पे नोटिस मिले और बड़ा मेहरबानी जल्द से जल्द पूरी टेक्निकल कॉलेज। अभी बिल्कुल आपने युवाओं के बातें से उसका यही कहना है कि कंदकोट जिला कश्मीर में जो है टेक्निकल कॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि कश्मीर जो है कंदकोट जिला कश्मीर जो है वो जो है पॉलीटेक्निकल जो कॉलेज है वो मुहैया किया जाए। जी।